आप देख रहे हैं आरोग्य मंत्र और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर और टीवी से होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में। जाहिर सी बात है आप ये कहेंगे कि इनसे बचा कैसे जाए, बिल्कुल वो भी जानेंगे, लेकिन अभी एक कॉलर है हमारे साथ, पहले उनकी बात सुनते हैं, उसके बाद आपके मन में उठ रहे इन सवालों का जवाब भी देंगे। हेलो हेलो, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम राजीव चावला है, मैं यमुनानगर हरियाणा से बोल रहा हूँ। जी राजीव जी, बताइए क्या समस्या है आपकी? मैंने ये पूछा था, मेरी बिटिया बेटी 17 साल की है और उसको दोनों लेफ्ट राइट किडनी में स्टोन है। अच्छा, कब से है जी स्टोन उनको? सर ये 1.5 साल हो गया है। तो अभी कोई दवाई नहीं ली उसकी आपने? दवाई उसकी होम्योपैथिक चल रही है। अच्छा, तो उससे आराम नहीं आया? उससे उसको अब पेन तो नहीं होता जी। तो अल्ट्रासाउंड दोबारा नहीं कराया आपने? अल्ट्रासाउंड कराने वाला हूँ आजकल में। देखिए अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, होम्योपैथिक आपने दवाई ली है, हो सकता है उससे ठीक हो गया हो, होम्योपैथिक भी अच्छी इलाज होता है, लेकिन अगर नहीं हुआ हो तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आयुर्वेद में बहुत अच्छी दवाइयां हैं पथरी के लिए, बहुत अच्छी दवाइयां, और 1-2 महीने में ही रिजल्ट आ जाता है उसका, जो गुर्दे की पथरी तो बहुत जल्दी निकल जाती है। ठीक है जी। अच्छा चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब ने जैसा बताया है आप वैसा ही करेंगे और अपनी बेटी को इस परेशानी से जल्द निजात दिलाएंगे। डॉक्टर साहब, कंप्यूटर और टीवी के साइड इफेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, हमें देखने वाले बहुत से लोग ऐसा कहेंगे कि इनके बिना काम कैसे चलेगा, क्योंकि बहुत लोगों का प्रोफेशन ही होता है कंप्यूटर। जी बिल्कुल, देखिए काम तो चलेगा नहीं, मैं भी कंप्यूटर यूज करता हूँ, मैं भी टीवी देखता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, हम ये प्रोग्राम भी टीवी के माध्यम से आप तक पहुँचाते हैं और आप टीवी में हमारा प्रोग्राम देखते हैं, तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको, लेकिन थोड़ा सा आपको जानना है। हम तो आपको केवल जागृत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता, हम सोच रहे हैं कि ये मोबाइल फ़ोन हमने यहाँ जेब में रख लिया और पूरा दिन जेब में रखा हुआ, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन अब ऐसी रिसर्च भी आ गई है कि इसमें से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो आपके हार्ट को भी ख़राब कर सकती हैं, कान में ज़्यादा इसको लगाने से आपके ब्रेन में जो है कई तरह के विकृति आ जाती है, इवन ब्रेन ट्यूमर तक, जो मैंने पढ़ा किसी एक रिसर्च में कि ब्रेन ट्यूमर भी उससे हो जाता है, तो उसको निकाल के थोड़ा ऐसी जगह रखिए, बाहर रखिए, दूर रखिए, रात को भी लोग अपने साथ ही रख के सो जाते हैं उसको, भाई रात को सो रहे हो तो कम से कम उसको 10 फीट दूर पर कहीं दूसरी जगह रखिए, और अगर रात को आपके कोई कॉल वॉल नहीं आते हैं तो बंद करके रख दीजिए, उसमें कोई ऐसी ज़रूरत तो है नहीं। थोड़ा सा सीखिए कि मैं जब अमेरिका में जाता हूँ तो मैंने एक बड़ी अच्छी चीज़ देखी है, वहाँ भी लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, हमसे पहले ज़्यादा हैं वो मोबाइल फ़ोन है, लेकिन वो कभी भी जो है ना वो मोबाइल फ़ोन को एकदम तुरंत, ज़रूरी नहीं है कि तुरंत ही उत्तर देंगे उसको, भाई आपके पास कॉल आ जाएगी, मिस्ड कॉल आ गई, आपने देख लिया किसकी कॉल है, अगर बहुत ज़्यादा आपका ऐसा काम नहीं है कि जहां आपको तुरंत रिप्लाई करना है तो वहां आप बाद में भी रिप्लाई कर सकते हैं, कई बार आप अपने काम में बिजी हैं, बहुत ज़रूरी काम आप कर रहे हैं तो उसको डिस्टर्ब मत करिए। तो थोड़ा थोड़ा बहुत आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरह से हम आज की टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करें ताकि हम टेक्नोलॉजी के गुलाम ना हो जाएं, हम टेक्नोलॉजी से कंट्रोल ना हो जाएं, हमको टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करके रखना है, टेक्नोलॉजी से हम कंट्रोल नहीं होने चाहिए, नहीं तो होगा क्या, कितनी सारी बीमारियां हैं मैं आपको गिनवाऊं, आँखों की बीमारियां, आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, कमर में दर्द हो जाता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, नींद नहीं आती है, मोटापा हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, और तमाम कितनी बीमारियां हैं जो कि हमें केवल कंप्यूटर से और इसके जो टेलीविज़न के अधिक प्रयोग से या गलत प्रयोग से या गलत प्रकार से पोस्चर से जो है हमें ये बीमारियां होती हैं, तो इनको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा और समझ करके इनको ठीक करना पड़ेगा। जी, और आई एम श्योर कि जो बातें आपने कही हैं, जो सिम्टम्स आपने कही हैं, बहुत सारे व्यूअर्स उन सिम्टम्स से रिलेट भी करेंगे। बिल्कुल करेंगे, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, छोटे बच्चों की तो अभी बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन अभी ये कॉलर जुड़ गए हैं तो उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी बताइए। मेरा सवाल ये है कि मेरे को ना स्मॉल हाइटस हर्निया है जी, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या ऑपरेशन है या कुछ प्रिकॉशन लेकर मैं उसको? देखो प्रिकॉशन लेके ठीक कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन पहले आप मुझे बताइए कि हाइटस हर्निया आपको मालूम है क्या होता है? हाँ जी हाँ जी। क्या होता है बताइए? वो मतलब मैंने 2 साल पहले एंडोस्कोपी कराई थी। हाँ जी, हाँ तो जी। उसमें डॉक्टर ने बताया था कि, और मेरे लेफ्ट साइड में ब्रेस्ट के नीचे ना पेन रहता था जी जी, तो वो ऊपर डकार आते थे, तो फिर उन्होंने कहा कि इसमें जो है आपका जो वॉल्व होता है जी वो फट जाता है ना जी, हाँ तो वो उससे आपको ऊपर ही आएगा खाना। बहुत, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, देखिए आपने कम से कम अपने रोग को समझा है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और लेकिन आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि ये वाल्व जो ढीला हो जाता है क्यों ढीला होता है? नहीं
एसिडिटी ज्यादा होने से, एसिडिटी से होता है। तो आप अब जरा एक प्रश्न और बता दीजिए हमें, आप चाय कितनी बार पीते हैं दिन में? बिल्कुल नहीं पीती। और मिर्च खाते हैं? नहीं बिल्कुल, मैं एक चम्मच भी महीने में मिर्च नहीं लगती हमारे यहाँ। नहीं एक चम्मच की बात नहीं कर रहा मैं, तो एक दाने की बात कर रहा हूँ। एक दाना भी खाते हैं आप या नहीं? नहीं बिल्कुल, हमारे यहाँ मिर्च डलती नहीं सब्जी में। और दही, नींबू? दही बस मैं टमाटर पीती हूँ। टमाटर? टमाटर मैं शाम को सब्जी में डालती हूँ, सब्जी बनाती हूँ। लहसुन प्याज? लहसुन नहीं, प्याज सिर्फ शाम को कभी खाने के साथ। चलो आप अभी थोड़ा, चाय तो आपने बहुत जोर से बोली कि नहीं पीते हैं, लेकिन लहसुन प्याज और टमाटर पे थोड़ा आप स्लो हो गए हैं, तो मैं इसलिए एनीवे आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को ये कई बारी ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा नॉलेज उनको बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, कि कई बारी हमें पता नहीं होता कि हमारा जो रोग है वो हुआ क्यों। जब रोग का कारण पता नहीं होता तो इलाज कैसे होगा। तो आपका ये बहुत अच्छा, आपने अपने रोग को समझा कि एसिडिटी से होता है, तो एसिड तो बिल्कुल नहीं लेना आपको, कोई एसिडिटिक चीज नहीं लेनी। दूसरा, पन्ना वगैरह भी नहीं ले सकती? नहीं अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और कोई भी खट्टी चीज, कोई भी तीखी चटनी वटनी, कोई भी मिर्च मसाला अचार खटाई दही नींबू संतरा बिल्कुल नहीं खाई। दूसरी चीज, अब आपको विपरीत लेना है अल्कलाइन। आयुर्वेद में हम कहते हैं कि जो रोग का कारण है उसके विपरीत, उसके विरुद्ध आप लेंगे तो वो रोग आपका ठीक होता है। नारियल पानी बहुत अच्छा है, कच्चा नारियल बहुत अच्छा है, खीरा बहुत अच्छा है, तरबूज बहुत अच्छा है, थोड़ा सा मुलेठी का चूर्ण आप खा सकते हैं। इस प्रकार से मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम आप रोग के लक्षणों को तो बिल्कुल कंट्रोल रख सकते हैं। अब रही बात ये कि जो वाल्व आपका जो ढीला हो गया है वो टाइट होगा कि नहीं, उसके लिए कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, बहुत अच्छी औषधियाँ हैं, वो आप नियमित रूप से 4-6 महीना खाएंगे तो उसमें भी फर्क पड़ता है। आयुर्वेद में क्योंकि हम रोग के मूल कारण को ही नष्ट करते हैं जो कि पित्त है, हीट जब रहती है, जैसे गर्मी में कोई रबड़ का जो कोई चीज़ है वो चौड़ी हो जाती है, उसको गर्मी को हम वहाँ कम कर दें तो वापस फिर थोड़ा सा अपने जगह पर खिसक के ठीक हो जाती है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी आपको सर्जरी की तरफ मैं नहीं भेजना चाहता, पहले हम 2-4 महीने 6 महीने आयुर्वेदिक दवाइयाँ आपको खिलाएंगे और उसके बाद फिर एक एंडोस्कोपी करा के देख लेंगे। अगर हमें रिजल्ट अच्छा मिल गया तो फिर कोई बात ही नहीं है, और अगर आपका रोग इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब दवाई से बिल्कुल ठीक नहीं होगा तब ऑपरेशन की बात की जाएगी। तो मैं कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि एकदम आपको इंस्टेंटली ऑपरेशन कराना चाहिए, और कुछ रोग ऐसे हैं कि उनमें कोई इमरजेंसी ऐसी नहीं है कि अगर आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो कोई ख़तरनाक चीज़ वहाँ बन जाएगी। कभी कभी ऑपरेशन की इमरजेंसी होती है, वहाँ हम भी कहते हैं आपको कि जी बिल्कुल इमरजेंसी है, ऑपरेशन करा लीजिए, लेकिन कभी कभी कोई ऐसी इमरजेंसी जहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर हम डेफिनेटली हमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ ट्राई करनी चाहिए। चलिए, तो आपकी समस्या का समाधान डॉक्टर साहब ने बता दिया, लेकिन यहाँ पर इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेना होगा। हमारा हेल्पलाइन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहा है, विच इज 0129 40 40 404। हम जल्द लौटते हैं इस ब्रेक के बाद।